शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर, पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है उन पर। माता, देवर्षि नारद जी ने मुझे इस बारे में बताया था, किंतु शनिदेव की दृष्टि ऐसे क्यों हो गई? वो उसके कारण किसी को देख भी नहीं पाते होंगे। पुत्र हनुमान, शनिदेव की पत्नी ने स्वयं ही उन्हें ये श्राप दे दिया था। क्या शनिदेव जैसे न्याय की देवता के साथ ऐसा अन्याय हुआ? कैसे हुआ ये? मैं बताती हूँ पुत्र हनुमान, बहुत समय पूर्व की बात। एक दिन शनिदेव की पत्नी चित्रधांशा अपने भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी। सेविकाओं, आज ऐसा अप्रतिम श्रृंगार करो मेरा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी देखे तो ईर्ष्या कर उठे चित्र यथांशा से। और स्वामी की नजर उठे तो हथेला चित्र यथांशा के मुखड़े से। ऐसा ही होगा महारानी, कहीं ये ना हो कि आप स्वयं ही ईर्ष्या कर उठे स्वयं से ही। महारानी जी, आज तो आपके केशों में उलझकर रह जाएंगे महाराज शनिदेव। तन सुंदर, मन सुंदर, नैन सुंदर, महारानी जी पद्मिनी हो या चित्रणी, आपके रूप के समक्ष सभी लजा जाएंगे आज। महारानी चित्र रथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनि देव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना असुर बुद्धि ना खो बैठे। कह रही हो तुम, मुझे तो स्वयं से ईर्ष्या हो रही है, स्वामी भी देखेंगे तो मंत्र मुक्त हो जाएंगे। मैं जाती हूँ स्वामी के पास, अब तक तो स्वामी की पूजा साधना भी पूर्ण हो गई होगी। जी महारानी जी, वो अभी अभी अपने कक्ष की ओर गए हैं। ॐ विष्णवे नमः। रुकिए महारानी जी, तनिक नुपुर झनकाते हुए चलिए महारानी जी, खुद ही पलट जाएंगे महाराज शनिदेव। ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। सामने आती हूँ स्वामी के, आज तो स्वामी अपनी दृष्टि मेरे मुखड़े से हटा ही नहीं पाएंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्रृंगार किया है विशेष स्वामी, दिवस है अब कुछ ही शेष,
तनिक देखें जरा मेरी ओर। ओ हो स्वामी, कहाँ लीन हैं आप? एक बार तो दृष्टि उठाकर देखिए। स्वामी, आपकी पूजा तो समाप्त हो गई है, फिर भी आप ध्यान में लीन हैं क्या? ओम विष्णवे नमः। महारानी चित्ररथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनि देव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना सद्बुद्धि ही ना खो बैठे। स्वामी, आपकी चित्ररथांशा के समक्ष है, देखिए मेरी ओर कैसी दिखाई दे रही हूं। स्वामी, स्वामी, मैंने आपके लिए आज ये विशेष श्रृंगार किया है, एक बार दृष्टि डाल दीजिए अपनी मेरी ओर। आपको कुछ सुनाई दे रहा है स्वामी? मैं कब से पुकार रही हूं आपको। स्वामी, मेरी ओर दृष्टि उठाकर तक नहीं देखा आपने, आप मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हैं। व्यर्थ है आपके ये नेत्र जो आप अपनी प्रेममयी स्त्री की ओर भी ना उठा सके। अब से आप मेरी ओर तो क्या किसी अन्य की ओर भी अपनी दृष्टि उठाकर नहीं देख सकेंगे। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे अब नाश हो जाएगा, 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 नाश हो जाएगा। प्रभु भक्ति की अद्भुत माया, लीला कोई समझ न पाया। नारायण के ध्यान में खोए, शनि पर कुपित भामिनी होए। ऐसे शाप का क्या हो उपाय, शनि देव हो गए निरुपाय। भक्ति और शांति बने संताप, पत्नी कोप सदा अभिशाप। ये तो बहुत ही अनुचित हुआ शनि देव के साथ। हाँ पुत्र, शनि देव की दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कष्टकारी होता है। जब इन पर उनकी पूर्ण तरह से दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो न जाने क्या होगा। स्वामी, शनि देव की पत्नी ने शनि देव को इस प्रकार का श्राप देकर सबके साथ साथ स्वयं के लिए भी संकट उत्पन्न कर लिया। हाँ प्रिय, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन रूपी रथ की दो धुरी हैं। किसी भी प्रकार से यदि एक धुरी को क्षति पहुंचती है तो रथ लड़खड़ा जाता है। परिस्थिति कोई भी हो, पति पत्नी को आपस में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें हानि पहुंचे, अपितु एक दूसरे के लिए सदैव मंगल कामना ही करनी चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? माता, प्रतीत होता है ये कोई राक्षस की ध्वनि है। हाँ अनुमान, राक्षस अमृत के मोह में यहाँ तक आए होंगे, आवाज भी उसी ओर से आ रही है। अमृत की सुरक्षा का दायित्व। चलो रुक जाओ राक्षसो, आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी होगी मूर्खों। तुम तो क्या, तुम्हारे चंद्रदेव भी हमें नहीं मार सकते। हट जाओ हमारे मार्ग से। आक्रमण। आ
अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रक्ष योद्धाओं, आगे बढ़ो और उठा लो अमृत कलश। हनुमान रोको ही नहीं, यदि अमृत कलश इनके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रतीत होता है शनिदेव पीछा कर रहे हैं। मुझे ऐसे किसी स्थान पर जाना होगा जहां शनिदेव ना पहुंच सके, ना ही उनकी दृष्टि मुझ तक पहुंच पाए। चंद्रदेव रुक जाइए, चंद्रदेव। शनिदेव तो निकट ही आ रहे हैं, तीव्र और तीव्र। आप कुछ भी कर लें शनिदेव, किंतु आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चंद्रदेव आप देवता है, इस भांति पीठ दिखाकर भागना देवों को शोभा नहीं देता। रुक जाइए। नारायण नारायण, ऐसी विचित्र स्थिति है, दृष्टि के विनाश की किसी को चिंता ही नहीं है। एक देव ने अभिमान किया तो एक देव कुपित हो उठे और दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है सृष्टि को। नारायण नारायण। शनिदेव एवं चंद्रदेव दोनों को ही ज्ञात है कि कोई संसार में कहीं भी चला जाए, है गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। चंद्रदेव की मति तो शनि दशा के कारण भ्रमित हो सकती है, किंतु शनिदेव को तो सब ज्ञात है, फिर भी सृष्टि के विनाश में लिप्त है। कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ये दृष्टि और उग्र होती जा रही है, वेग और बढ़ाना होगा। तेज और बढ़ाओ। द्वारिकाधीश, इतनी बड़ी भूल तो चंद्रदेव ने नहीं की कि शनिदेव उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार पीछे पड़ गए। प्रिय कालंदी, जिस प्रकार अग्नि में घृत पड़ने से अग्नि दहक उठती है, उसी प्रकार शनिदेव की उग्र प्रवृत्ति रूपी अग्नि में क्रोध का घृत पड़ चुका है। क्रोध ने शनिदेव के विवेक को हर लिया है, वो न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल चुके हैं, इसीलिए ना तो उन्हें सृष्टि का विनाश दिखाई दे रहा है और ना ही अमृत की कोई चिंता है। शनिदेव को तो मात्र इतना ही दिखाई दे रहा है कि चंद्रदेव को दंडित करना है। न्याय मात्र दंड देना ही नहीं होता, सबका हित देखकर क्षमा करना भी न्याय है। ये आकाश में हर ओर अग्नि और विस्फोट, मेरा पुत्र किसी संकट में ना आ जाए। कुछ तो बहुत ही अनिष्टकारी घटित हो रहा है वहां पर, और मैं मात्र देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पूर्ण आकाश में जैसे अग्नि भर उठी हो। हे ईश्वर, हमारे हनुमान की रक्षा करना। देवर्षि, आप प्रणाम। देवर्षि। शनिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अनुचित है। अनुचित तो चंद्रदेव कर रहे हैं देवर्षि। क्या इस भांति भागना देवताओं को शोभा देता है? शनिदेव,
चंद्रदेव आपकी दृष्टि के आंशिक प्रभाव के कारण ये सब कर रहे हैं, किंतु आप तो स्थिति से परिचित हैं। देखिए देखिए किस प्रकार सृष्टि का विनाश हो रहा है। यदि आप देवताओं के विवाद का लाभ उठाकर असुर अमृत ले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस देवर्षि, यदि ये बात आप चंद्रदेव को समझाएं तो उचित होगा। यदि वो इस प्रकार भागते नहीं तो सृष्टि का विनाश नहीं होता। चंद्रदेव ही दोषी है इस सबके लिए, और आप अब उन्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम। नारायण नारायण। शनिदेव कुछ समझना नहीं चाहते और चंद्रदेव ने तो त्रिदेवों की बात भी नहीं सुनी। मुझे कुछ और ही करना हो। नारायण नारायण। माता रोहिणी, मैं इन राक्षसों को हनुमान दुष्टवानर, मेरा अंत तुम्हारे वश में नहीं है वानर। तुम तो क्या, कोई भी मेरा हित नहीं कर पाएगा। हम वो जल है जिसे कोई काट नहीं सकता। हम वो वायु है जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र अपनी माँ के व्रत को पूर्ण करने के उद्देश्य से चंद्रलोक की ओर गया है। तो न जाने वहाँ क्या घटित हो रहा है। मेरे पुत्र की रक्षा कर, उस पर कोई संकट ना आ जाए, वो सकुशल हो। चिंता मत करो अंजना, तुमने हनुमान के लिए ही व्रत रखा है। ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करेंगे, और वैसे भी हनुमान बड़े बड़े संकटों पर विजय पाकर लौटा है। समय नष्ट मत करो वानर, चले जाओ यहाँ से। मेरे समक्ष तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। एक ओर तो ये राक्षस परास्त नहीं हो पा रहे, दूसरी ओर चंद्रदेव का कुछ ज्ञात नहीं। अब माँ का व्रत कैसे पूर्ण होगा।